यहाँ पे हमने देखा था तो काफ़ी चीज़ देखने को मिली थी, छोटी छोटी जो जानवर है जैसे कि सुरका हुआ, कीड़ा हुआ, मकौड़ा हुआ, तितली वगैरह, बहुत कुछ इस तरह का छोटे छोटे जितना भी जानवर है उन सभी को देखने को मिला हम लोग को, मुझे देखने को मिला देखे। और अब मुझे जाना है बड़े बड़े चीज़ के पास, जैसे कि हिरन हुआ या हिप हॉप इसको कहते हैं, और भी शायद शेर का भी हो, इस तरह के बहुत कुछ है, वहाँ भी चलेंगे देखने के लिए। अब बड़े जानवर के बड़ा जानवर जो है उसको अब देखने चले, छोटी चीज़ तो देख लिए, अब चलते हैं आगे देखने को बड़ा जानवर की तरफ। नए नए जगह से रिलेटेड सारे अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. मज़ा आया, बहुत कुछ था यार, बता नहीं सकता। ये जो ढांचा बनाया हाथी सबका, इतना बड़ा हाथी था, मुझे यकीन नहीं होता कि इतना बड़ा हाथी था होगा, इतना बड़ा हाथी, क्या बात है यार। मैंने तो मुझे शौक हो गया। यह जी जगह बहुत पसंद आया मुझे, आप भी आओगे, अगर आप कभी नहीं आए हो तो आप आओ, जगह मजे करो, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे आके देखो। जगह से बहुत अच्छा, यहाँ देखा अंदर में हिरन था, हिरन था, बाघ था, और राइनो, भैंस, हिरन, गाय, सारी चीज़ थी, और डायनासोर बर्ड था, पौधा ही, आपने तो देखा ही है। मज़ा आया था मुझे, ज़्यादा टिकट भी नहीं है, आप आओ मज़े भी करो, देखो भी। 20 रुपये टिकट है, 20 रुपये में अच्छे खासे इंजॉय करने को मिलेगा, काफ़ी फ़ोटो भी खींचने को मिलेगी, आप आओ मज़े करो। Thank you.
सिर्फ जड़ी बूटी खाना वगैरह अनाज वगैरह ये सब के म्यूज़ियम है, काफ़ी मज़ेदार भी है। यहाँ पर सभी चीज़ देखने को मिल रहा है, और काफ़ी चीज़ है जो आप भी देख रहे हो, अब मैं भी देख रहा हूँ, आप वीडियो में देख रहे हो, मैं हकीकत में देख रहा हूँ, बस यही फ़र्क है। और लेकिन अनाज का, अनाज वगैरह जड़ी बूटी बहुत कुछ है यहाँ पर, आप आओ, यहाँ भी काफ़ी कुछ है और आगे भी और भी कुछ है, पता नहीं मुझे, लेकिन देखते हैं और भी क्या है। हम तो सोचे थे आधे घंटे में निकल चलूँगा आधे घंटे में, लेकिन इतना कुछ सोचा नहीं था यार, सोचा नहीं था। और अब देखेंगे, या मन करा शाम तक रहूँ और पूरा म्यूज़ियम घूमूँ, मज़ा आ रहा। लेकिन सुबह से थकान लग रही थी मुझे, लेकिन फिर भी जब आए रास्ते में आए थे तो थोड़ा सा उदास लग रहा था, और जब यहाँ पहुँचा ना तो मज़ा आ गया, माइंड फ्रेश हो गया, इतनी खुशी मिल रही है मुझे, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, आप लोगों को बता नहीं सकता। चलिए फिर भी देखते और भी क्या है। Silent nights recalling you, a souvenir of what it could be. Pieces of my mind are yours. I forgot the parts I'm missing. I pretend that we are okay, like nothing's ever broken. इन सब में काफी कुछ देखने को मिला, देखा भी मैंने भी देखा, घूमा भी, मजा भी आया, काफी चीज़ देखने में मज़ा भी आया, काफ़ी चीज़ पुरानी पुरानी चीज़ थी, काफ़ी सारी चीज़ थी, सभी तरह का, सभी अलग अलग तरह का म्यूज़ियम है, मछली का लादा है, बॉट का लादा है, हिरन शेर ये सब का लादा लादा है, छोटा छोटा कीड़ा होता है जो सूखा हुआ कीड़ा मकौड़ा जो भी हो सब का लादा लादा म्यूज़ियम बनाया हुआ है। अब आओ यहाँ पे देखो, ये बताया जाता है, ये म्यूज़ियम जो है, ये म्यूज़ियम बताया जाता है कि 1834 में ये बना था, 1834 में ये म्यूज़ियम बना था, और 1918 या 19 में बताया कि विक्टोरिया महल जो है ना, विक्टोरिया महल कलकत्ता में, वो 1819 में बना था, आज ये 1834 में बना था, ये विक्टोरिया से ही पुराना ये म्यूज़ियम है, इतना पुराना म्यूज़ियम अभी भी टिका हुआ है, मज़ेदार चीज़ है। आप भी आओ, काफ़ी मज़ा आएगा, दिन आराम से कट जाएगी यहाँ पर। वीडियो काफ़ी भरा हो गया है, जिसके वजह से मैं इसके 2 या 3 भाग कर दूंगा, आप देख लेना, पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 भी हो सकता है, आप पसंद आए तो देख लेना। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, आप बेल आइकन पर हिट करना, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता हूँ, ताकि आपको बेल को हिट करने से आपके पास ये वीडियो हमेशा सबसे पहले पहुँचेगी, आपको हमेशा जुड़े और कलकत्ता पार्क का टूर करें मेरे साथ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अब पार्ट 2 है पार्ट 3 है उसे देख लेना प्लीज़।